हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह लास्ट प्रैक्टिस सेट 14वां प्रैक्टिस सेट है आपके बीपीएससी के लिए एंड ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए। और वीडियो आते रहेंगे, बट आपका अब बीपीएससी के लिए बस एक दिन का टाइम बचा है, अब आपके पास टाइम नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया है, चाहे EMRS का प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे किसी भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए सभी वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एंड सभी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं समय नष्ट न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। यह है आपका फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो यह लखनऊ में है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में लखनऊ के स्टेडियम का नाम ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है और इन्हीं के नाम पर जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक प्रतीक में चक्रों की कुल संख्या है? तो 5 चक्र होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। ये पांचों पांच महाद्वीपों के प्रतीक हैं जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्षेत्र है? तो आत्मरक्षा, जिम्नास्टिक, योग, ये सभी क्षेत्र हैं शारीरिक शिक्षा के। उपरोक्त सभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शारीरिक शिक्षा मूलतः एक क्या है? जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है। क्या है शारीरिक शिक्षा? सभी जीवों की एक जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर की टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो प्रोटीन आवश्यक है। 1000 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? तो 25 देशों में कम से कम खेला जाना चाहिए, तभी वो ओलंपिक खेल में सम्मिलित होने की वैधता होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मिति त्वचा परत माप यानी कि स्किन फोल्ड कैलिपर, मानव शरीर के निम्नलिखित किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? तो जहाँ पे पकड़ अच्छी हो वहाँ वहाँ इसकी माप किया जाता है, जैसे कि अंशफलक, अधिश्रोणीय, उदर, जांग, बाह, त्रिशिरस्क, इन सभी में हिस्सों पर विचार किया जाता है। तो सभी राइट होगा आपका, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी कि न्यूनतम मांसपेशी ताकत को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक मशाल सर्वप्रथम कब जलाया गया था? तो 1928 एमस्टर्डम ओलंपिक में जलाया गया था सबसे पहले, लेकिन आधिकारिक रूप से जलाना आरंभ हुआ 1936 बर्लिन ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एथलीट द्वारा व्यवहार उपस्करों में से किसकी लंबाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर ही होती है? तो दोस्तों, स्पाइक की होती है, आपका सिंथेटिक ट्रैक पर 9 mm होता है, 9 mm होता है जो जूतों में कील होती हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है, तो यह होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है, जिसको वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेहरू कप जुड़ा हुआ है? तो नेहरू कप कहेगा तो फुटबॉल से, नेहरू ट्रॉफी कहेगा तो हॉकी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पापिंग क्रीज जुड़ा हुआ है? तो आप सबको पता है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिज्जी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है? तो बिज्जी ट्रॉफी भी आपका जुड़ा हुआ है क्रिकेट से ही। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किन देशों ने 1930 से आरंभ हुए वर्ल्ड कप साकर चैंपियनशिप में के खिताब 4-4 बार जीते हैं? तो वह है आपका इटली और जर्मनी, जो 4-4 बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पचे हुए वसा की ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है?
तो दोस्तों पचे हुए वसा को ऊर्जा बनने में समय 6 घंटा लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला होकर भी इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो इंस्टेंट एनर्जी सोर्स होता है क्योंकि वह जल्दी पच जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस अंग में रक्त ऑक्सीजन रहित होता है? तो दोस्तों किस में होता है? तो नाड़ियों यानी शिराओं में होता है, अगर इसका मतलब शिरा है तो आप देख सकते हैं अपने अनुसार। हृदय में अगर कहेगा तो हृदय में दाएं वाले पार्ट में, हृदय के दाएं अलिंद दाएं नीले में अशुद्ध रक्त बहता है और बाएं अलिंद बाएं नीले में शुद्ध रक्त बहता है, तो किसको कहा जा सकता है? आप ही अनुमान लगा के बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियन खेल के जनक कौन है? दोस्तों तो आप सबको पता है प्रोफेसर गुरुदत्त सोनी जो है एशियन खेल के पितामह कहे जाते हैं, जो 1951 नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ और दोबारा भी भारत में 1982 में भारत में हुआ नई दिल्ली में, और 2022 हांगझोउ चीन में हुआ है जिसमें भारत ने 107 पदक प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने ओलंपिक खेलों की हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष से भाग लेना शुरू किया, यानी कि भारत ने ओलंपिक खेल की हॉकी स्पर्धा में पहली बार किस वर्ष से भाग लेना शुरू किया और स्वर्ण पदक भी जीता? तो 1928 एमस्टरडम ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओलंपिक का ध्येय यानी मोटो सन 1924 में आधिकारिक हो गया, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि ओलंपिक का जो ध्येय मोटो है कब ओलंपिक में आधिकारिक हुआ? तो 1924 में, जो कुबर्टिन के मित्र ने बनाया था। क्या नाम था उनके मित्र का? हेनरी डिडान ने इसको किया था। सीटीएस, आरटीएस, फोर्टीएस, फास्टर, हायर, स्टागर और तेज और ऊंचा और बसाली। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित करता है और निर्देशित करता है, यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा है जॉनसन का। किसका है? जॉनसन का। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि किसी वस्तु की गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कहलाती है, तो वह गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक ऊर्जा कहलाती है, और किसी वस्तु के गति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है, और शांत अवस्था में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटीन का पाचन होता है? तो दोस्तों अमाशय और छोटी याद स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होता है। अमाशय में पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज आपका एंजाइम निकलता है, जो पेप्सिन होता है वह प्रोटीन का पाचन करता है, और छोटी याद में जो है अग्नाशय से निकलने वाला ट्रिप्सिन करता है, यानी कि प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय और छोटी याद दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इनसाइड ट्रैक इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो इनसाइड ट्रैक जो है यह आत्मकथा है कार्ल लेविस का। क्वेश्चन नंबर 26 है, टू हेल विद हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो टू हेल विद हॉकी असलम शेर खां की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश है? तो वह है हॉलैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो दूध जो है सबसे अच्छा साधन है कैल्शियम की। कैल्शियम जो है दांतों व हड्डियों के निर्माण के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में लौह तत्व की कमी होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न से कौन सा कप महिला बैडमिंटन विश्व कप प्रतियोगिता में प्रदान किया जाता है? वह होता है उबेर कप, और पुरुष के लिए थॉमस कप। क्वेश्चन नंबर 31 है, आरामदायक आसन है? तो शवासन, शवासन सभी आसन करने के बाद शवासन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा आसन अधोमुख स्थिति यानी प्रोलाइन पोजीशन में होता है?
सुपरलाइन पोजीशन पेट के बल लेटा जाता है, दोनों हथेलियां जमीन की ओर होती है और उसके विपरीत होता है आपका सुपाइन पोजीशन, जो पीठ के बल लेटा जाता है, आंखें आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर। तो यहाँ प्रोनाइन पोजीशन में कौन है? तो शलभासन। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही विकल्प चुनें। तो रक्त किस अनुक्रम में परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होता है? सबसे पहले हृदय में, हृदय से महाधमनी में, महाधमनी से धमनी में, फिर केशिका में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है, आदेश का संबंध है, आदेश मतलब कमांड देना, कमांड से है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, योग आसनों द्वारा निम्न शारीरिक स्वास्थ्य का कौन सा घटक अच्छा विकसित होता है? तो वह होता है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या 14 है, तो फाइनल मैच में मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? तो यानी कि संख्या, टीमों की संख्या कितनी है? 14 है। तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का नॉकआउट में क्या होता है? n माइनस वन, तो 14 माइनस n यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से जल के संक्रमण से फैलने वाला बीमारी कौन है? तो पेचिस आपका जल के संक्रमण से फैलने वाला क्या है? बीमारी है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का क्या नाम है? तो वो है आपके YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, जिसकी स्थापना हेनरी क्रोबक ने भारत में 1920 में किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो 1985 से शुरू हुआ है, सर्वोत्तम कोच को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विधि द्वारा प्रयोग ऊंचे स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने में किया जाता है, जिसमें अधिकतम मांसपेशी शीतलन हासिल करने की एक प्रयास में इसे खींचने से पहले मांसपेशी संकुचन का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? वो है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिएशन PNF मेथड, जो फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करता है। फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक PNF मेथड होता है, तो जो ये सर्वश्रेष्ठ विधि होता है उच्च स्तर के खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन हासिल करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है दोस्तों? तो वह रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर पर आक्रमण करता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एमोबियासिस यानी एमोबियासिस हेतु उत्तरदायी जीवाणु किस प्रकार मानव शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं? तो यह स्पर्श के माध्यम से, किसके माध्यम से? स्पर्श के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है? तो लीकोसाइट है। RBC के दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो अनुवांशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का अधिधार करती है और वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन से ही सभी रंग, वर्ण, मानसिक क्षमता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, अनुवांशिकता का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? तो भारतीय फ्लाइंग सिख जो है वो मिल्खा सिंह है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शरीर को की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है, जो और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। क्या कहते हैं? स्टेम कोशिकाएं। स्टेम कोशिकाएं दोस्तों भ्रूण में पाई जाती है, छोटे भ्रूण में। स्टेम
सेल के अंतर्गत यह अद्भुत क्षमता होती है कि विकसित होकर वांछित अंग का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान के लिए एक कोशिकाएं वरदान साबित हो सकता है। इसके माध्यम से विभिन्न अंगों का सफल प्रत्यारोपण किया जा सकेगा। अभी तक प्रत्यारोपण दान में प्राप्त अंगों के द्वारा अथवा अन्य जीवों के अंगों के द्वारा होता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, सूअरों के मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो यह सहायक है जापानी एनसेफालाइटिस के निवारण में। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा? बी 48.6 फारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किसे जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया गया है? तो किसे जांचने के लिए किया गया है? एड्स को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट और एक और टेस्ट होता है जो नाम नहीं आ रहा है, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एलिसा टेस्ट दोनों एड्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दो संयुक्त ब्रिक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निष्क्रिय प्रक्रम है। क्या है निष्क्रिय प्रक्रम? इसमें निष्क्रिय प्रक्रम है परासरण। क्या है? परासरण। नेक्स्ट वीडियो है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का जो विकास है, आदर्शवाद यानी आर्योलिज्म दर्शन के आधार पर होता है, जिसके पिता प्लेटो हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, यथार्थवाद यानी कि आदर्शवाद यानी कि आर्योलिज्म किस पर आधारित है? तो आइडिया मतलब विचारों पर आधारित है। प्रकृतिवाद आधारित है, प्रकृतिवाद किस पर आधारित है? प्रकृतिवाद आधारित है। तो दोस्तों प्रकृतिवाद जो है वह प्रकृति पर आधारित है, जिसके प्रवर्तक कौन है? रूसो है। क्वेश्चन नंबर 54 है, गति के नियम दिए तो किसने दिया है? न्यूटन ने गति के तीन नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो वो है हीमोफीलिया। यह एक अनुवांशिक बीमारी है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसे चोट लगने या शरीर के किसी भाग के कटने पर रक्त का स्त्राव बंद नहीं होता, फलस्वरूप शीघ्र उपचार न होने पर रोगी की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इसे हीमोफीलिया भी वरानता की भांति लिंग संलग्न रोग है। इस रोग की वाहक स्त्रियां ज्यादा होती हैं। हेल्डेन के अनुसार यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यानी कि यह मस्तिष्क की अनियमितता यानी रोगों को पता किया जाता है। ईसीजी में हृदय की अनियमितता पता किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जापानी एंसेफिलाइटिस का कारक होता है? तो जापानी एंसेफिलाइटिस का कारण होता है विषाणु यानी कि वायरस। जापानी एंसेफिलाइटिस वायरस जनित बीमारी है। यह बीमारी मनुष्यों में मच्छरों के काटने से होती है। विशेष प्रकार के वायरस अर्बो वायरस क्यूलक्स मच्छरों में पाए जाते हैं। एक क्यूलक्स मच्छर भी विशेष प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक क्यूलक्स मच्छर में इनमें धान के खेत में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब ये मच्छर मनुष्यों को काटते हैं तो अर्बो वायरस मनुष्य के रक्त में पहुंचकर उसे संक्रमित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है थायमिन यानी कि बी1 की कमी से बेरी बेरी, राइट है।
तो यहाँ पे सुमेलित करना नहीं है, आपको देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ए जो है थायमिन की कमी से बेरी-बेरी होता है, राइट है, ठीक है, राइट है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स, ये भी राइट है। विटामिन के की कमी से रक्त तो नहीं जमता है, हीमोफीलिया आदि रोग हो जाता है, तो ये गलत है। यहाँ व्यंध्यापन यानी कि बाष्पन जो है ई की कमी से होता है, ये आपका सी गलत है। नियासिन से पेलाग्रा यानी बी3 की कमी से पेलाग्रा होता है, ये भी सही है। तो कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो लोहे का अच्छा स्रोत है यानी कि हीमोग्लोबिन का, तो पालक है। क्या है? आयरन का अच्छा स्रोत है पालक। एंड क्वेश्चन नंबर 60 है, हृदय कब आराम करता है? तो दो धड़कनों के बीच, सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बीच, ऐसा एक समय होता है जो हृदय आराम करता है। तो एक धड़कन में 0.8 सेकेंड लगता है, 0.4 सेकेंड आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, शारीरिक शिक्षा का स्वर युग किसे कहा जाता है? तो शारीरिक शिक्षा का स्वर युग कहा जाता है उत्तर एथेंस काल को। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? थार्नडाइक ने, बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, परिभाषा किसने दिया था? कोहलर ने, इन्होंने इनसाइड थ्योरी गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत दिया, इन्होंने सुल्तान नंबर चिंपैंजी पर प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 64 है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या कहलाता है? मेनिनजाइटिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न कथनों में से कौन सी सही है? सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है आपको। पहला है आपका कि मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है, तो पहला तो राइट है। दूसरा है हैजा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया से फैलता है, दो उत्तर भी राइट है। एंड आपका तीसरा है एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो इसलिए एथलीट फुट जो है वो विषाणु के द्वारा नहीं होता है, आपका तीसरा गलत है। सही कौन है? एक और टू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जो हैजा होता है विब्रियो कॉलेरिस नामक जीवाणु से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो कौन बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए ईईजी, हमने देखा था कि ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेसोग्राफ, इसी मस्तिष्क की अनियमितता की जानकारी मिलती है, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसे हृदय की असमानता का पता लगाया जाता है, तो बी का 4 हो जाएगा। ईओजी से आंख की अनियमितता का पता लगाया जाता है, तो सी का 2 हो जाएगा। ईएमजी से मांसपेशी की अनियमितता का पता लगाया जाता है, तो डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, तो किसमें उत्पन्न होंगे? तो वह उत्पन्न होगा आपका पुत्रियों के पुत्रों में, अगले पीढ़ी में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, साल्क टीका निम्न में से किस व्याधि से संबंधित है? तो यह संबंधित है पोलियो, यानी कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था?
साल्क ने किया था, ई जान ई साल्क ने किया था, इसलिए पोलियो के टीका का नाम हो गया साल्क टीका। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहां पे आपको भी मिलान करना है फिर से कि एक तरफ बीमारी दिया हुआ है, एक तरफ कारक। तो मरास्मस किससे होता है दोस्तों? क्वासी और कर मरास्मस दोनों प्रोटीन की कमी से ही होता है, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो मरास्मस जो है दीर्घकालीन उपवास रहने से, बहुत समय तक, लंबे समय तक भूखे रहने से मरास्मस रोग हो जाता है। तो ए का हो जाएगा 1, क्वासी और कर प्रोटीन की कम मात्रा लेने से होता है तो बी का हो जाएगा 2, टीवी यानी ट्यूबरकुलोसिस राजयस्मा रोग जो होता है वह जीवाणु संक्रमण से होता है, सी का 3 होगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी एंड हेपेटाइटिस बी जो है पीलिया रोग जो है विषाणु के संक्रमण से होता है, डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, थॉमस कप संबंध है, थॉमस कप बैडमिंटन पुरुष से रिलेटेड है, उबेर कप बैडमिंटन महिला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 72 है, बैक स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो तैराकी से है। बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई एंड फ्री स्टाइल, ये चारों शैलियां हैं आपके तैराकी की, जिसमें से फ्री स्टाइल सबसे तेज शैली है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता कौन है? तो आप सबको पता है बैरन पीएडी कुबर्टिन है। एंड क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड या अमीनो एसिड में बदलता है जो अग्नाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो है उस शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है, इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, मांसपेशियों में निम्न में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड एकत्र होने से थकान होती है, जैसे कि लैक्टिक अम्ल जमा होने से शरीर में थकान होती है, और जबकि यूरिक अम्ल का गांठों में जमा होने से गठिया रोग हो जाता है, एंड बेंजोइक अम्ल का प्रयोग फलों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र से बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो समुद्र से कौन प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है, घेंघा रोग के रोगियों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, कि उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, ज्यादा लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, तो वो लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? तो वे लोग बेरी बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन B1 उसमें नहीं होता, ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल में। क्वेश्चन नंबर 79 है, अभिकथन से रिलेटेड, अभिकथन ये है कि यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौधी हो जाएगा, ठीक है। R है, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी इसलिए रतौधी हो जाएगा, लेकिन केवल हरी सब्जियों में ही विटामिन ए नहीं पाया जाता है और सोर्स है, तो यहाँ पे उसके कंडीशन के आधार पर डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन, तो दोस्तों ए रक्त जमाव में सहायता करता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 81 है, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुआ? तो पहली बार शपथ 1920 एंटवर्प ओलंपिक में हुआ, और ओलंपिक झंडे को भी सबसे पहले फहराया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में ही। क्वेश्चन नंबर 82 है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो माइकल जॉर्डन जो है वह बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है
तो मिल्खा सिंह को भारतीय फ्लाइंग सिख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, 1985 से ये दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एमसी मेरी काम का संबंध किससे है, तो बॉक्सिंग से है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है दोस्तों, तो प्रोटीन हार्मोन एंजाइम तीनों का निर्माण शरीर में होता है बट विटामिन का निर्माण नहीं होता है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव किसमें पड़ता है, तो आंख पे पड़ता है, सबसे कम प्रभाव मस्तिष्क पे पड़ता है, यानी कि मानव शरीर के सभी अंगों में आंख एक ऐसा अंग है जो कि हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावित होता है। उदाहरण के लिए सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के प्रति मनुष्य की आंखें सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो दोस्तों रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यूरिया को छानकर बाहर निकालता है, कई हार्मोनों का भी स्रावण करता है, लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता, ये इंसुलिन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, एड्स होता है तो विषाणु द्वारा होता है, यानी वायरस द्वारा, एचआईवी वायरस के द्वारा, जो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बीएमडी जिसका पूरा नाम होगा बीएमडी, जिसे बोन मिनरल डेंसिटी बोला जाता है, बीएमडी, तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है क्या पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है कि भ्रूण के लिंग को, यानी पेट में पल रहे बच्चे को लड़का है या लड़की, यही एमनियोसेंटोसिस जांच के द्वारा पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है, तो विटामिन सी जो है की कमी से स्कर्वी होता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में, तो आंवला का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, फंक ने किसका खोज किया था, तो फंक ने विटामिन का खोज किया था 1911 में। क्वेश्चन नंबर 95 है, यहाँ पे आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है प्लेग किससे होता है, तो प्लेग होता है आपका बैक्टीरिया के द्वारा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ए का 4। यहाँ पे एक बार ऐसे हम कर लेते हैं, ठीक, तो प्लेग जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, यानी कि जीवाणु के द्वारा, एंड एड्स जो है आप सबको पता है विषाणु के द्वारा, एचआईवी वायरस के द्वारा, गंजापन जो है कवक यानी फंगल के द्वारा, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा, तो पूरा मिल गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है 96 क्वेश्चन में भी, एक तरफ वायु प्रदूषक है एक तरफ प्रभावित अंग है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ए है एस्बेस्टास धूल, एस्बेस्टास धूल जो है किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड सीसा किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, तो बी का 1 हो जाएगा। पारा किसको प्रभावित करता है, उदर को, पेट को, सी का 2 हो जाएगा। कार्बन किसको प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये प्रभावित करता है रक्त धाराओं को, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इस पर रहेगा, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसको प्रभावित करता है, रक्त धाराओं को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ये एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण से फैलता है,
जबकि मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया में आरबीसी पर प्रभाव पड़ता है और डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू को। क्वेश्चन नंबर 98 है, एमआरआई निम्न में से क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह तकनीकी क्या करता है? यह मैग्नेटिक फुल फॉर्म पूछा है। एमआरआई निम्न में से क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि यह एक प्रकार की तकनीक है जिससे रोगों के कारणों की सूक्ष्म जांच की जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्न में लिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, या बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये सही नहीं है। और ये तीनों आपके ए बी सी सही है, यानी कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या है? वह है मरास्मस, क्वासीरकर मरास्मस, प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, कृष्णा पुनिया किस खेल से संबंधित है? ये चक्का फेंक या तस्तरी फेंक, डिस्कस थ्रो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्बा राम का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से है। एंड क्वेश्चन नंबर 103 है, सोनाक्षी राठौर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों सोनाक्षी राठौर का संबंध है शतरंज से, किससे है? शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 104 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 105 है, वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 18.9 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उस समय के अनुसार है, अभी के अकॉर्डिंग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो वही अब सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 है, पिंग पोंग संबंधित है। तो दोस्तों पिंग पोंग किससे संबंधित है? टेबल टेनिस को पहले पिंग पोंग बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 108 है कि ए सी ई का संबंध है, तो ए सी ई का संबंध है लॉन टेनिस से, किससे है? लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 109 है, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, तो ये अक्सर पाया जाता है सेरेब्रल पॉल्सी छोटे बच्चों में, किसे पाया जाता है? छोटे बच्चों में, ठीक है, यह एक प्रकार का मानसिक रुग्णता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे आपको मिलान करना है विटामिन B12 की, किसमें B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, पीतल तांबा जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है, यहाँ पे मिलान हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 111 नंबर क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रिफ्रेंसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो बायोलॉजिकल रिफ्रेंसिंग एक शल्य चिकित्सक है, इसके द्वारा घुटने के जोड़ों का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? तो यह कार्डियोलॉजी विभाग में, जो वहाँ पे हृदय संबंधी दवा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, तो वह क्या होती है? वह पाँव से ली गई सीरा होती है, पाँव से लिया गया सीरा।
क्वेश्चन नंबर 114 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, ऑक्सीजन को लेकर के शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 115 भी आपको मिलान करना है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ए का फोर हो जाएगा। फॉलिक अम्ल जो है क्या होता है? ए का फोर, बी का थ्री। रक्त अल्पता हो जाता है एंड विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सी का वन। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बोरी होता है, डी का टू। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, क्लोरीन है, जबकि आयोडीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117 है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, वो भी विटामिन डी टू डी थ्री मेन होता है, तो डी टू को अर्गोकैल्सिफेरॉल और डी थ्री को कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, जिसमें ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस आदि रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, यानी डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उससे पक्षाघात हो गया है, यानी पैरालिसिस हो गया है किसमें? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यदि डॉक्टर कहे कि किसी को देखकर या किसी को चेक करके कि टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो इसका आशय होता है उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है किस अंग में? तो यह मानव के दोनों हाथों और पैरों में पक्षाघात हो गया है। क्या हो इसका अर्थ होगा? मानव के दोनों हाथों और पैरों में पक्षाघात हो गया है, यानी कि दोनों हाथों और पैरों में संवेदन व कार्य क्षमता जो है समाप्त हो जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 119 है, अभिजीत गुप्ता का संबंध है तो शतरंज से है। क्वेश्चन नंबर 120 है, पहले हेलेनिक उत्सव संबंधित है तो ये स्पार्टा एथेंस में होता था, किसमें होता था? एथेंस में, उत्तर एथेंस काल में पैन हेलेनिक गेम होता था, जिसमें ओलंपिक, पिथियन, इस्थिमियन, निमियन खेल होते थे। क्वेश्चन नंबर 121 है, पिथियंस खेलों का संबंध है तो उत्तर एथेंस काल से, यानी कि एथेंस काल से, जो आपके अपोलो देवता के सम्मान, सूर्य देवता के सम्मान में खेले जाते थे। एंड क्वेश्चन नंबर 122 है, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत 1822 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 123 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1961 में हुई। क्वेश्चन नंबर 124 है, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है तो कहाँ पे है? तो यह संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 125 है, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो खेल मनोविज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार 14 प्रैक्टिस सेट आपका पूरा होता है। तो दोस्तों बहुत सारा विशेष है आप सबके लिए, आप सबका एग्जाम अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट आप सबको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए